Hello students, still we will see 4-5 example of method of completing the square जो हमने पिछले वीडियो में देखा था. method of completing the square में अगर इसका coefficient 1, 4, 9, 16, 25 अगर perfect है तो आपको सीधा last term से, अगर नहीं है ये तीनों में है मतलब कि हम लोग हमेशा last term की formula apply करेंगे. empty the whole square अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म. अगर आप देखेंगे तो एम्प्टी 6x इंटू 6x स्क्वायर करो या दो बार मल्टीप्लाई करो, इट डजंट मेक एनी सेंस. और फर्स्ट टर्म आपका कौन सा है, ये फर्स्ट टर्म एफ टी मतलब फर्स्ट टर्म. x और x मिलके x पर गया और x 6x 36 बाय 4 मतलब कि आपका एक्चुअल लास्ट टर्म कौन सा आया 9. तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस जो आया उसको एड करो फिर इसको माइनस करो. पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि व्हाट एवर द लास्ट टर्म विल कम एड एंड सब्ट्रैक्ट एंड देन राइट ओरिजिनली जो सम में है वो ऐसा एड करो. बट इन डूइंग सो हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ही तो लास्ट टर्म फाइंड करते हैं. दिस इज व्हाट नथिंग बट एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर और माइनस 9 प्लस 7 मतलब माइनस 2 इक्वल टू 0. इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, नहीं है तो स्क्वायर रूट करके, है तो स्क्वायर रूट निकाल के रूट टू का स्क्वायर करो. तो अब आप लोग देखेंगे तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर हो गया. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स प्लस 3 प्लस रूट टू एक्स प्लस 3 माइनस रूट टू इक्वल टू 0. हेंस आपका आंसर आएगा एक्स इक्वल टू माइनस 3 माइनस रूट टू और एक्स इक्वल टू माइनस 3 माइनस बन गया प्लस रूट टू. ऐसे आपको आंसर मिलता है जिसका यूजुअली देखो फैक्टराइजेशन नहीं होता है, बट आप अगर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर या तो दूसरी एक फॉर्मूला हम लोग राइट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो. अब यहां पे देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है मतलब वापिस से हम लोग एल टी इक्वल टू एम टी द होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म. एम टी मतलब मिडल टर्म. अब माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 4 इंटू एक्स स्क्वायर. फर्स्ट टर्म आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब के टू बी वेरी प्रिसाइज आपका लास्ट टर्म हुआ 1/4. ओके तो हम लोग लिखेंगे जो आया इसको लिखना अपना राइट फर्ज और देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. वो हमेशा इसकी स्टैंडर्ड मेथड है इक्वल टू 0. ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ही तो हम लोग लास्ट टर्म चुनते हैं. तो मतलब के एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स राइट. यहाँ पे आपका राइट माइनस की साइन, जो साइन है प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस. 1/4 का स्क्वायर रूट निकाला तो हाफ और इधर माइनस कॉमन निकाल के 1/4 प्लस 1 एक स्टेप आपके लिए ज्यादा. एक्स माइनस हाफ द होल स्क्वायर. यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये 4 1 प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो 4 1 4 एंड 1 5 राइट इक्वल टू 0. इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. 5 नहीं है तो रूट 5, 4 है तो 2 और स्क्वायरिंग करो हो गया आपका. नाउ इट बिकम्स डिफरेंस ऑफ स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगर ऐसा है तो एक बार प्लस एक बार माइनस. एक्स माइनस हाफ माइनस रूट 5 बाई 2 एक्स माइनस हाफ प्लस रूट 5 बाई 2 इक्वल टू 0. एक्स का आया 1/2 प्लस रूट 5 बाई 2 और इधर और एक्स का आया हाफ माइनस रूट 5 बाई 2. एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और 1 माइनस रूट 5 बाई 2. सभी लोग ये वीडियो खास देखें क्योंकि ये नंबर को एक गोल्डन नंबर के तहत माना गया है. आपको एनसी राइट आरटी में की बुक में ये गोल्डन नंबर का कहीं नहीं है, बट याद रखना राइट एनटीएससी ऐसी केस देते हैं तो राइट. आपको मैंने फिफ्थ चैप्टर में बताया था एपी में दैट इज फिबोनाची सीरीज और यहाँ पे गोल्डन नंबर. तो व्हाट इज गोल्डन नंबर, तो 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और 1 माइनस रूट 5 बाई 2. या तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस और माइनस रूट 5 बाई 2. वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मैस अप विथ दिस. वो फिबोनाची एपी में है. यहाँ पे भी आप लोग अगर देखेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका परफेक्ट स्क्वायर है ही, तो हम लोग क्या करेंगे मिडल टर्म द होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म. क्या है आपका मिडल टर्म, माइनस 24x इंटू माइनस 24x. नीचे आपका आएगा 4 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब कि कौन सा एक्स स्क्वायर.
एक्स और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर गया, ये फोर सिक्स जा और माइनस माइनस प्लस हो गया, सिक्स फोर जा 24, एक्चुअली आपका आया कितना 144। तो अब आपका फर्ज बनता है कि जो आपका लास्ट टर्म आता है उसको ऐड करो एज यूजुअल और फिर सबट्रैक्ट करो, वेरी सिंपल, एंड देन माइनस 16 इक्वल टू जीरो, ये आपका बन गया अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस प्रोसेस। तो एक्स माइनस 12 द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, इसकी साइन, इसका स्क्वायर रूट, यहां पे हो गया आपका 160, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको आप लोग बना दो परफेक्ट स्क्वायर, रूट 160 का होल स्क्वायर, बराबर, तो हो गया 160। अब फिर बाद में हम लोग निकालते रहेंगे एक्स माइनस 12, राइट, एक बार प्लस रूट 160, एक बार माइनस रूट 160, इज दैट क्लियर, और ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आएगा एक्स इक्वल टू 12 माइनस 160 रूट में, और एक्स इक्वल टू 12 प्लस 1√60। अब 1√60 छोड़ के चले नहीं जाने का, 12 को 12 रखा, रूट 60 मतलब कि अगर आप लोग देखेंगे तो 16 × 10 बराबर 4√10 और x इक्वल टू 12 प्लस 4√10, तो आपका आंसर आया 12 प्लस और माइनस 4√10, राइट, दिस इज द परफेक्ट 3 एग्जाम्पल ऑफ दिस, 3 मोर एग्जाम्पल। यहां पे देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 35 परफेक्ट स्क्वायर है, बराबर, तो नो नीड टू डिवाइड बाय 9, कई लोग करते हैं बट नो नीड टू, तो यहां पे भी हम लोग लास्ट टर्म फाइंड करेंगे एम टी द होल स्क्वायर अपॉन 4 × फर्स्ट टर्म, एम टी क्या है आपका 6x × 6x और ये क्या है 9x स्क्वायर, एक्स 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 स्क्वायर गया, 6 × 6 = 36 एंड 9 × 4 = 36, 36/36 आपका लास्ट टर्म आना चाहिए 1, तो हम लोग क्या करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x जो लास्ट टर्म आया वो रख दो क्योंकि वी वांट टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस मेथड। तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 आपका आ गया, अब 1 को माइनस करो और माइनस 35 इक्वल टू 0, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो 3x प्लस 1 द होल स्क्वायर, किसकी साइन, इसका स्क्वायर रूट 3, मिडल टर्म की साइन प्लस, राइट, इसका स्क्वायर रूट 1 और ये हो गया आपका माइनस 36 इक्वल टू 0, मतलब के 3x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 6 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप लोग देखेंगे तो 3x प्लस 1 प्लस 6, 3x प्लस 1 माइनस 6, यहां पे अगर आप लोग देखो तो 3x प्लस 7 और यहां पे अगर आप लोग देखो तो 3x माइनस 5, हेंस x इक्वल टू माइनस 7/3 और x इक्वल टू 5/3, ऐसे दो आंसर हमको मिलेंगे, राइट, क्वेश्चन नंबर 4 में। आगे भी हमने 4 एक्सरसाइज के किए हैं, राइट, और 4 इलस्ट्रेशन के किए हैं 8, और ये और 3 आ गए आज के। यहां पे देखोगे तो या तो 3 से मल्टीप्लाई करो या तो 3 से डिवाइड करो, रूल ऐसा बोलता है कि आप सब में 3 से जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसके डिवाइड कर ही दो, मतलब कि डिवाइड बाय 3 एवरीवेयर, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x माइनस 20/3, 0 को तो कुछ भी करो वो 0 ही रहता है। और अब आप लोगों को लास्ट टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म मिडल टर्म द होल स्क्वायर अपॉन 4 × फर्स्ट टर्म, तो मिडल टर्म क्या है आपका 7/3 × x, 7/3 × x और नीचे 4 × x स्क्वायर, x x गया और ये 3 और 3 कैंसिल नहीं होगा, 7 × 7 = 49 और ये 3 और 3 9, इसको कंपनी देंगे 9 × 4 = 36, आपका ये सीम टू बी लास्ट टर्म आया। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 49/36, गलती से इसमें मत डाल देना, जो आया उसको सब्ट्रैक्ट करना ही है आपको पता है, और फिर अपना ओरिजिनल टर्म, राइट, माइनस 20/3 डाल देना है। अब देखो क्या परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखना है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, मिडल टर्म की साइन, 49 का 7 और 36 का 6 बराबर होल स्क्वायर, यहां पे हम लोग
राइट, एलसीएम 36 ले लेते हैं। चलो एक स्टेप आपका ज्यादा, जो आपको समझ में आए। दोनों की साइन बाहर निकाल दी, अब 36 एलसीएम, 49 रिमेन 49, पर 12 टूजा, तो ये आ गया आपका 240। देखा, हेंस एक्स प्लस 7 बाय 6 द होल स्क्वायर माइनस 49 प्लस 240। आपको पता है ये भी परफेक्ट स्क्वायर ही है, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है तो, 289 बाय 36 द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो 17 अपॉन 6 का होल स्क्वायर होगा, 17 का स्क्वायर ये और ये 7 अपॉन 6 द होल स्क्वायर। वापिस एक बार प्लस x प्लस 7 बाय 6 प्लस 17 बाय 6, x प्लस 7 बाय 6 माइनस 17 बाय 6 इक्वल टू 0। डोंट टेक एलसीएम, मैंने पिछले वीडियो में बोला ये एलसीएम नहीं लेना है। तो x प्लस 24 बाय 6, x माइनस 10 बाय 6, तो इसका आपका आंसर यहां पे मैं ले लेता हूं x प्लस 4 और दूसरे में x माइनस, कैंसल करे तो 5 बाय 3 इक्वल टू 0। तो एक आया माइनस 4 और दूसरा आया प्लस 5 बाय 3, ऐसा आंसर आता है इसका, बराबर। और एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और एक क्वेश्चन की ओर। यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक्सपांड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x एंड 3 2 6, और 240 को भी इस तरफ लेके आएंगे। यहां पे आपका सम बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 234 इक्वल टू 0। अब देखो क्या आपका एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है 1 4 9 16, तो क्या है, तो नो नीड टू डिवाइड एंड स्ट्रेट अवे एलटी फाइंड करो। एलटी मतलब क्या हुआ, एम टी द होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। फॉर्मूला आपको राइट देखते देखते ही लर्न हो जाएगी, व्हाट इज एम टी, तो के 5x इंटू 5x और नीचे व्हाट इज दैट 4 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब के एक्स स्क्वायर। आपका एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो लास्ट टर्म कौन सा आना चाहिए, सपोज टू बी 25 बाय 4। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 बाय 4 माइनस 25 बाय 4, प्लस करके तुरंत माइनस करके अपना ओरिजिनल टर्म यहां पे लिखना पड़ेगा। इन डूइंग सो हमने जो ये मेथड अप्लाई की है, x प्लस इसका स्क्वायर रूट 5 मिडल टर्म की साइन प्लस 5 बाय 2 द होल स्क्वायर, एक बार अंदर ब्रैकेट में लोगे तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड नाउ टेक एलसीएम, वेरी सिंपल, ये ऐसा ही रहेगा x प्लस 5 बाय 2 द होल स्क्वायर, और यहां पे देखेंगे तो 25 पूरा एलसीएम लेंगे तो 4 4 16, 4 3 12 एंड 1 13 9 36। अभी भी उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना बाकी है, 6 and 5 11 राइट, 3 and 2 5 and 1 6। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो 1000 राइट, आपको पता है कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बट आपको ये 25 का 625, 26 का 677, 27 का राइट, फिर 29 का 841, 30 का 900, तो 31 का चेक करो, 31 into 31, 3 1 3, देखा हो गया राइट, तो ये 31 upon 2 द होल स्क्वायर, और इस तरफ x प्लस 5 upon 2 द होल स्क्वायर। एक बार प्लस कर लेते हैं 5 by 2 प्लस 31 by 2, एक बार प्लस करते हैं 5 by 2 माइनस 31 by 2। अगर आप देखेंगे तो इसका एलसीएम नहीं लेना है, मैंने बोला था 31 plus 5 36 by 2, और यहां पे 31 तो माइनस 26 by 2, आ गया आपका आंसर x प्लस 18 और यहां पे x माइनस 13, तो आपके फैक्टर हुए एक आया माइनस 18 और दूसरा आया 13। तो ये आपका सम यहां पे खत्म हुआ। चलो लास्ट सम, लास्ट 4 सम, इसका एक्सपांशन करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू 10x प्लस 25, ये 625 को इस तरफ लाओ
625 equal to 0. 2x square plus 10x minus 600 equal to 0. अभी भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, therefore करो, 2 कॉमन निकाला तो इसमें से 2 गया, इसमें से 2 गया और इसमें से भी 2 गया. और अब हम लोग x square perfect square है तो last term का formula apply करेंगे. last term equal to mt the whole square upon 4 into first term. mt क्या है तो के 5x into 5x the whole square, और 4 into first term क्या है तो के x square, right? दो बार किया ना, x square cut, 25 by 4 आपका आ गया. अब क्या करेंगे तो के x square as usual, बहुत सारे सम की प्रैक्टिस दी है, plus 25 by 4 minus 25 by 4 minus 300 equal to 0. What is factor x square का x, middle term की sign, 25 का 5 by 2 the whole square. और इसको एक बार अंदर लेके आपके लिए, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, those who are smart students, LCM लेंगे तो ये 4, ये 25, 300 into 4 1200. आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1225 35 का राइट वो स्क्वायर है, 35 का. तो स्क्वायर निकालो, इसको स्क्वायर बनाओ, किसका स्क्वायर, 35 अपॉन 2 द होल स्क्वायर. अब आपका बन गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बना तो एक बार प्लस 35 बाय 2, एक बार माइनस 35 बाय 2. और अगर हम ऐसा देखेंगे तो 35 प्लस 5 40 बाय 2, आपके लिए तो ये भी करना पड़ेगा, माइनस 30 बाय 2. हेंस अगर आप देखेंगे तो x प्लस 20, x माइनस 15, हेंस आपके दो रूट आ गए, x इक्वल टू माइनस 20 और 15 प्लस 15. तो ऐसे सम होते हैं. अब हम लोग यहां पे इसका भी देखेंगे, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां पे हम लोग सीधा LT लेंगे. LT इक्वल टू MT द होल स्क्वायर अपॉन 4 इनटू फर्स्ट टर्म. व्हाट इज योर MT, 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 राइट? अगर आप देखेंगे तो 2x इनटू 2x स्क्वायर करो या दो बार मल्टीप्लाई करो, वन इज द सेम. x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 2 सा 4, 4 बाय 4 आपका लास्ट टर्म होना चाहिए, टू बी वेरी प्रिसाइज 1. तो 1 को माइनस करो और वो बैठा 5 ऐसा लिख दो. ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 द होल, राइट? बट अगर आप लोग देखेंगे तो x प्लस 1 द होल स्क्वायर उसको इस तरफ ले जाओ तो वो माइनस हो गया, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर तो हुआ ही नहीं. नो स्क्वायर इज नेगेटिव इन द वर्ल्ड, नो स्क्वायर इज नेगेटिव, मतलब कि इसके रूट पॉसिबल नहीं है, हेंस नो रूट्स आर पॉसिबल. माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको मजा ही मजा है. सीधा यहां से इस तरफ प्लस आया तो ये उस तरफ ले जाके माइनस करो. आपको पता है कोई भी प्रकार का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मतलब कि इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है. तो ये सम यहां पे ही खत्म हो गया बिना झंझट के. यहां पे देखो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो इसका भी फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट है. mt द होल स्क्वायर अपॉन 4 इनटू फर्स्ट टर्म, आपका mt है माइनस 8x इनटू माइनस 8x अपॉन 4 इनटू x स्क्वायर कट हो गया, 8 4 2 सा 16 आया, आपका परफेक्ट स्क्वायर आता है 16. तो लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 16 प्लस 15 इक्वल टू 0. इन डूइंग सो ये हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, x माइनस 4 द होल स्क्वायर माइनस 1. 1 वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर ही है तो एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, इजी है सम इन द वर्ल्ड. वैसे भी आपको पता है 5 3 इज 15 एंड 5 एंड 3, तो आपको ऐसे ओरल भी आ जाता है, यू कैन रीचेक एंड यू कैन डू इट बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड. तो ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके रूट्स हमारे पास आने तय है तो आ गए 3 और 5. परफेक्ट स्क्वायर मेथड का लास्ट सम नेक्स्ट टाइम जब हम लोग वीडियो देखेंगे तो श्रीधर आचार्य की फॉर्मूला 3 या 4 मार्क में पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट.
यहां पे एल टी इक्वल टू एम टी द होल स्क्वायर अपॉन राइट फोर इंटू फर्स्ट टर्म. एम टी क्या है आपका तो के माइनस टेन एक्स इंटू माइनस टेन एक्स इंटू करो भाई किया फोर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स एक्स खत्म फोर मतलब के फाइव और टू मतलब के फाइव 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 सा कितने आया 25. ओ वो तो है हमारे पास है मतलब के रेडीमेड नो नीड टू एड इट वो इटसेल्फ ही है. जब इटसेल्फ हो तो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको करना भी है तो बताओ 25 माइनस 25 और ये 25 तो वही हुआ ना. सो नो नीड टू डू एक्स माइनस फाइव द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो. परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट साइन ऑफ मिडल टर्म एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट. हेंस एक्स माइनस फाइव दो बार आया दैट इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू फाइव और फाइव आपके जितने भी सम थे कुछ बोर्ड में कहीं पे भी वो सभी का आज खात्मा बुला दिया है. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक्चुअली रिड्यूस कोर्स इन 2021 बट आप लोगों को राइट सीधर आचार्य फॉर्मूला के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. थैंक यू.